अभी कुछ बोलो मत। माय फाइनेंशियल करियर, व्हेन यू ओपन अ सेविंग बैंक एट योर बैंक यू नीड टू फिल अ डिपॉजिट फॉर्म। देखो ये वाले जो माय फाइनेंशियल, एक बेटा मैं म्यूट कर डालता हूँ तभी यहाँ से आवाज आ रही है। बोल मेरी आवाज आएंगी तुम लोगों को, तुम लोगों की आवाज नहीं। अभी कोई अनम्यूट मत करो, मैं जब बोलूंगा तभी अनम्यूट करो। ओके, माय फाइनेंशियल करियर, व्हेन यू डिपॉजिट अ सेविंग बैंक। एक्चुअली ये लेसन जो है वो इसकी थीम बता डालता हूँ मैं लेसन की। वो जो ऑथर रहता, मतलब जो लेसन राइटर है, वो बैंक में जाता है, बैंक में जाता है। देखो बैंक में फर्स्ट टाइम जाएंगे तुम, तुमको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा बैंक में जाने। अनम्यूट मत करो खुद को। बैंक में जाने के बाद डर लगता है तुम लोगों को बहुत, तो वो नर्वस। अनम्यूट कर रहा है साक्षी, अनम्यूट मत करो। ओके, तो वो माय फाइनेंशियल तो चलो वेन यू, मैं स्टार्टिंग में ये चालू कर देता हूँ। वेन यू ओपन अ सेविंग बैंक आउट द बैंक यू नीड टू फिल अ डिपॉजिट फॉर्म ऑब्लिक स्लिप। अब स्लिप भरेगे तुम बैंक में तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेट फिलअप करेंगे। अगर आपको पैसे डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर जाके, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डेट फिलअप करेंगे, फिर ब्रांच। आप कभी बैंक में गए होंगे, कोई भी बैंक में गए क्या? पायल सिर्फ मुंडी लाओ। गए हाँ सर। ठीक है, बैंक में गए, दो मिनट ही रहने दो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा तुम्हारे को। अभी बैंक में जाने के बाद तुम डिपॉजिट स्लिप पैसे भरने के लिए गए होगे, मुझे नहीं लगता, निकालने के लिए गए होंगे आजकल। सर मैं गई हूँ मम्मी के साथ पैसे निकालने के लिए। सर हाँ सर। तो उसमें कुछ स्लिप जाके अटेंडेंस लगा क्या है क्या, देखा भी स्लिप भरा भी? सर देखा, हाँ सर देखा, वहाँ पे आगे पहले नाम डालना पड़ता है, फिर वो अपना अकाउंट नंबर और वो अकाउंट नंबर और वो, और पैसे भी देने पड़ते हैं उनको, वैसे जमा नहीं करते वो। हाँ वैसे अगर पैसे देने लगते तो फिर क्रेडिट आओ बैंक में। डेबिट क्रेडिट वो तुम और कॉमर्स लेंगे आगे चल के तो तुम लोगों को समझेगा, या फिर क्या बोलते हैं साइंस भी लेंगे तो पैसे कमाएंगे तो क्रेडिट होगा बैंक में, वो समझेगा तुम्हारे को भी। फिर बाद में अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर बोले तो क्या रहता नंबर, वो 12 या 10 डिजिट का रहता है, वो किसी का तो भी 369, मेरी मम्मी का वैसा ही है सर। ऐसे क्यों रहता नंबर, क्यों रहता जिसमें रोल नंबर रहता ना, मैं बोलता रोल नंबर असली में डालो, असलियत में डालो। सर क्योंकि फिर वो अकाउंट के बिना आपने बैंक में फिर पैसे निकालने नहीं आते सर। आइडेंटिटी नहीं रहती ना बाबा कुछ भी, मतलब सपोज अभी पायल के अकाउंट से मेरे को, नहीं पायल के अकाउंट से नहीं, अगर सपोज 10,000 रुपए निकालने के मेरे अकाउंट से और मेरा एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर है और मैंने वो अकाउंट नंबर गलत डाल दिया तो दूसरे के बैंक से निकलेंगे ना पैसे? हाँ दूसरा वाला तो मारेंगे मेरे को, और उससे निकाल दिया मैंने पहचान के, तो इसलिए आइडेंटिटी रहती है। इसलिए हर वक्त चिल्लाता रोल नंबर राइट लिखो, रोल नंबर राइट लिखो, पर तुम लोगों ने क्या बोलते एक वो बोलते ना काला दगड़ा वर्ची पांडरी रेख, वैसे गलत डालेंगे, सर ने जो बोला उसका उल्टा करने वाले हम लोग। अभी कुछ भी ड्राइंग मत निकालो, इसके अभी निकालने का निकालो कुछ भी। अकाउंट नंबर हो गया, अभी ये वाले डिटेल रहते, ड्रॉन ऑन बैंक, ब्रांच, चेक नंबर। चलो ये तो डिपॉजिट स्लिप हो गई, ये तो कुछ काम की नहीं है तो तुम लोगों के लिए। अभी मुझे ये बताओ, प्रिया है ना यहाँ पे, प्रीति भी है ना, राइट इन योर ओन, व्हाई डस बैंक नीड्स सो मेनी डिटेल्स फ्रॉम द कस्टमर? क्यों लगता है इतने सारे डिटेल्स कस्टमर के? प्रिया सर सिक्योर रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, फ्रॉड एंड ट्रांजेक्शन होने नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला किसी दूसरे के अकाउंट में, सपोज मैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नहीं भरता, बहुत बढ़िया अमाउंट हो गई वो मेरे लिए, 1,00,000 रुपए भर रहा हूँ मैं किसी के बैंक, मेरे बैंक में, तो वो मेरे ही बैंक में जाना चाहिए, किसी दूसरे के बैंक में नहीं जाना चाहिए। वो एक ट्रांजेक्शन हुआ था 2003 वर्ल्ड कप के टाइम, सचिन तेंदुलकर के अकाउंट में ऐसे ही किसने तभी डाल दिए थे 10 करोड़ रुपए,
वो बाद में इनकम टैक्स वाले ने सील कर दिया था वो अकाउंट, बोले कहाँ से आए पैसे, इनकम टैक्स वाले तो तुम्हारे को पता है किधर से आते किधर से नहीं पैसे, वो सब पूछते है। फिर नेक्स्ट वाला, अभी कौन बोलेगा, व्हाट डू कस्टमर फेस व्हेन दे हैव टू मेक अ कैश डिपॉजिट एट बैंक, अगर उनको कैश डिपॉजिट करना है बैंक में तो क्या करना पड़ता कस्टमर को, व्हाट प्रॉब्लम डू कस्टमर फेस, प्रॉब्लम क्या आती है उनको, कौन बोलेगा, पायल बोलो ना, आप बैंक में गए हैं ना, पायल नहीं अवेलेबल, प्रिया आप गए हैं बैंक में, हाँ कौन कौन बोल रहा है, बोलो नहीं कौन, कोई तो, कोई तो दूसरा बोल रहा है, बोलो कोई तो ही बोलो, कौन है आकर, ऋतुजा तनु आप गए बैंक में, हाँ तो बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते, तनु आप गए कभी बैंक में, आवाज नहीं आ रही लगता उसके तरफ, मतलब लाइन में, चलो मैं ही बोल रहा था, लाइन में खड़े रहना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वही एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो स्टैंडिंग इन अ क्यू, क्यू डब्ल्यू ई, क्या स्पेलिंग है क्यू की, स्पेलिंग क्या है प्रिया, क्यू यू डबल ई, क्या क्यू यू डबल ई, आप सच्ची मेरे सामने चाहिए, क्यू डब्ल्यू ई, क्यू यू ई, यू ई क्यू, भेजा है किसने तभी, अच्छा है चैट में किसने भेज रहा है, यस राइट प्रीति, प्रीति ने राइट स्पेलिंग भेजी है, ओके अभी मेक अ वर्ड, मेक अ वर्ड वेब ऑफ एटलीस्ट 12 रिलेटेड वर्ड्स, ये बनाने आता है ना तुम्हारे को बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड्स, 12 वर्ड्स बनाने हैं, चलो बना के दिखाओ मेरे को अभी, सब बनाओ, हेलो आवाज आ रही है क्या मेरी, आ रही है सर, आ रही है ना, तो चलो बैंकिंग से रिलेटेड वन वर्ड बना सकते हैं ना तुम, हाँ सर बनाओ, बैंकिंग से रिलेटेड, हाँ मतलब उसमें के ही वर्ड छुपे होने चाहिए, बैंक से रिलेटेड वर्ड रजिस्टर समझता है ना तुम लोगों को, हेलो अरे दो मिनट अनम्यूट रखो ना तुम लोगों को, हाँ सर वर्ड रजिस्टर समझता है आपको, सर आईएफएससी कोड, हाँ बना सकते हैं, पर को 12 कितने वर्ड बनाने हैं, 12 वर्ड्स बनाने हैं तुम लोगों को, बनाओ जल्दी जल्दी और भेजो मुझे, एक पेज पे लिख डालो, तुम्हारे सामने है क्या पेन पेपर, हेलो हेलो जब आंसर नहीं आता ना तब ऐसी सन्नाटा रहता ग्रुप पे, प्रिया आपको आंसर नहीं आता, ये वर्ड रजिस्टर सिखाया नहीं आपको, आता है सर आता है आता है, तो कर रहे हैं क्या आप लोग, चलता इधर स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन दिख रही है तनु, ऐसे कुछ तो लिखा है मैंने अकाउंट पे जैसे, हाँ हम्म, ग्रामर लिखा मैंने अभी, हाँ अभी वर्ड रजिस्टर बोले तो क्या चीज रहती, ये वर्ड रजिस्टर, हाँ अभी आपको बोलेंगे सबसे पहले, हाँ मेक वर्ड रजिस्टर रजिस्टर ऑफ क्लासरूम, क्या बोले क्लासरूम, हाँ कितने वर्ड्स का बनाना है तुम लोगों को, कितने बनाने हैं, 8 ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स बनाने हैं क्लासरूम से, तो तुम्हारे को आंसर में लिखना पड़ेगा 8 ऐसे शब्द, क्लासरूम में क्या क्या आता है, बैग आता बीएजी है ना, फिर और दूसरा क्या आता है क्लासरूम में, बेंचेस बुक्स, फिर तीसरा वाला आता है बुक्स राइट,
और बोलो, इधर ही करता हूँ। ब्लैक बोर्ड। कौन बता रहा है आंसर पीछे से? आपकी मम्मी बता रही है क्या? नेक्स्ट तनु बोलो। विंडोज। हाँ विंडोज भी रहते ना। चॉक। चॉक ओके। नेक्स्ट डस्टर। डस्टर यस। वेदांत समझ आया? नोटिस बोर्ड। डस्टर की स्पेलिंग रॉन्ग होगी लगता मेरे हिसाब से। मेरे डस्टर यस। नोटिस क्लास में नोटिस बोर्ड रहता, चार्ट्स रहते ना, नोटिस बोर्ड तो बाहर रहता। ओके ये हो गया वर्ड लिस्ट। टीचर्स सम बस हो गया। आठ चाहिए ना अभी, बस हो गया। नौ भी कर सकते हैं हम, पर आठ करना कम से कम। आप नौ नहीं तो दस बना के रख डालना। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तनु आपको। आपके पास सामने बुक है अभी तनु? हाँ। आप वर्ड रजिस्टर बनाओ। काय का बनाते हैं? काय का बनाएंगे वर्ड रजिस्टर? आप लोग एक क्वेश्चन बोलो ना कोई तो भी। अब प्रिया स्पोर्ट्स का बना। हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के गेम्स रहते हैं ना, स्पोर्ट्स में क्या क्या रहता है। तो क्रिकेट का बना सबसे पहले। क्रिकेट का मालूम है आपको? समझा तनु? कितने इसका बनाना है आपको? आठ। आठ वर्ड्स का अभी बना लो, तब तक इनको सिखाते रहता। लिखा के सब लोगों, बाकी के लोगों ने लिखा क्या? बैंकिंग का बैट। लिखा सर। भेज दिया मेरे को? भेजा नहीं, पर भेजो ना मेरे को। मैं तो चैट में तभी कॉपी करके भेजो। लेसन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, माय फाइनेंशियल करियर, ये चालू होता है। माय स्क्रीन इज विजिबल ना? व्हेन से लेके हमारा जो पहला पैराग्राफ है, व्हेन से लेके तो कहां तक है? ही टर्न द की। ही टर्न द की, यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। ओके अभी आई थिंक तुम लोगों को मालूम है फर्स्ट पैराग्राफ मेरा कैसे सिखाता हूं मैं। सो अब ऑथर कैरेक्टर स्केच है। देखो स्टोरी रहेंगी तो सबसे पहले तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर स्केच रहता है स्टोरी में, तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच। हाँ, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। रैटल्ड बोले तो बहुत डर जाता हूं मैं। हाँ इसका मीनिंग देख रहा है तुम्हें रैटल्ड का? क्या नीचे दिया हुआ है? नीचे दिया है तो बोलो। हाँ मुझे ये है रैटल्ड। स्क्रीन दिख रही होंगी मेरी, मीनिंग उसका? हाँ वो डरते नहीं, कांपते हम। ओके ऋतुजा ने बराबर करा है, बैंकिंग का बराबर भेजा है। ओके हाँ रैटल्ड हो गया। द क्लर्क रैटल्स मी, मतलब क्लर्क मेरे को डराता है बैंक में। ऑब्वियस है ह्यूमन बींग है तो बैंक में जाके डरने ही वाले है। कोई एलियन ही होगा, वेदांत ने बराबर लिखा है। कोई एलियन ही होगा कि बैंक में जाके, फर्स्ट टाइम अगर बैंक में जा रहा है कहीं तो डरने लगने वाली उसे। द क्लर्क रैटल्स मी द विकेट रैटल्स मी। विकेट बोले तो क्रिकेट की विकेट नहीं। ये देखो ये ड्रॉ करा है मैंने, इसके अंदर ऐसे बैठा रहता कैशियर। हाँ खिड़की के अंदर उसको बोलते विकेट। हाँ ऐसे खिड़की के अंदर बैठा रहेगा ना कैशियर, ये कैशियर बना देंगे अपन, उसके अंदर बैठे हुआ है। ड्रॉइंग खराब हो गई यार मेरी, पहले अच्छी थी। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ओके ठीक है चलेगा। प्रिया विकेट द विकेट रैटल्स मी द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, मतलब पैसा देख के भी मैं नर्वस हो जाता हूँ। इतना सारा पैसा कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, बहुत सारा पैसा। हम लोग भी डर जाते हैं इतना सारा पैसा देखेंगे तो क्या करेंगे उत्तर। एवरीथिंग रैटल्स मी। तुम्हारे को बहुत सारे पैसे मिल गए तो तुम लोग सबसे पहले क्या लेने को भागेंगे? द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई एम हेजिटेटिंग जे। ये क्या चीज है हेजिटेटिंग जे? हेजिटेटिंग गाय सुना था मैंने। नीचे आंसर दिया है कुछ?
आई एम हेजिटेटिंग के इधर तो वही लिखा है भाई। सर नॉट श्योर नॉट श्योर हाँ कंफ्यूज्ड सबसे अच्छा तुम उसके पर इधर लिख डालो साइड में कंफ्यूज्ड इधर बुक होंगी ना तुम्हारे साइड में लिख डालो इधर कंफ्यूज्ड हाँ मैं तो लिख नहीं सकता हूँ अभी मैं लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूज इफ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50,000 अ मंथ मतलब उसकी सैलरी कितनी हो गई थी $50 तुम बोलेंगे ₹50 क्या है तभी पर डॉलर एक डॉलर की वैल्यू है ₹70 है हमारे तो कम से कम ₹350 तो भी कमा रहा मतलब उसकी सैलरी क्या रेज होगी $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वाज ओनली प्लेस फॉर इट मतलब अभी उसको लगा कि बैंक में उसके पैसे डिपॉजिट करना उसके पैसे सेफ रहेंगे बैंक के अंदर तो आई शैम्बल्ड इन शैम्बल्ड का मीनिंग दिया है इधर जे तो दिया है रैटल्ड का भी हो गया शैम्बल्ड सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन डिक्शनरी पढ़ के रखे है क्या पूरे क्या गूगल गूगल बाबा हेल्प कर रहा हमारे से पहले आंसर ऑकवर्ड मूव विद अ स्लो शैम्बल बोले तो टेलर स्विफ्ट का फोटो आ गया स्टंबल सेंटेंस क्या है ये तो अलग ही आ गया शैम्बल बोले तो सो आई शैम्बल्ड एट एंड लुक टिमिडली टिमिडली बोल डर पोक लो मतलब ऐसे डर के चलना नहीं क्या आपने क्या बोला था रुतुजा बोलिए मीनिंग सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मतलब ऐसे लाइटली चलता नहीं क्या ऐसी धीरे से आदमी आजू बाजू देखते हाँ। जब डरे हुआ रहा या कोई हाँ उसको शैम्बल नहीं बोलेंगे तनु आप आपको म्यूट करने आएंगे क्या तनु हाँ कर दिया आवाज आ रही है ना तनु सिर्फ रेस करो अगर आवाज आ रही होंगी तो मैंने म्यूट करा आपको अरे अनम्यूट मत करो म्यूट ही रहने दो पीछे से आवाज आती है इन द इन अ लुक टिमिडली टिमिडली बोले तो डरपोक टिमिड बोले तो डरपोक रहता भितरा बोलते ना मराठी में अराउंड एट द क्लर्क आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड टू कंसल्ट अ मैनेजर मतलब उसे पता था कि अगर वो पर्सन को बैंक में अकाउंट खोलना है किसी को भी बैंक में खाता खोलना है तो मैनेजर की परमिशन पहले लगती है तुम लोगों को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहले प्रिंसिपल की परमिशन लगती है ना हाँ सर आई वेंट टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट ये इसके पास गया ये अकाउंटेंट के पास गया हुआ पहले इधर बैठा हुआ है वो दिस अकाउंटेंट वॉज टॉल कूल डेविल The very sight of the him rattled me. My voice was specular. क्या है? Specular. Spelling pronunciation क्या है? इधर pronunciation भी नहीं आता. अब pronunciation सुनेंगे. Sepulcher. या sound आ रहा है आपको? No sir. No ना? नहीं sir. वो sepulchral है वो. Sepulchral. मतलब माय साउंड वाज सैड सेपल्क्रल बोलते सैड इधर अंडरलाइन करो और बाजू में सैड लिख दो ईश्वरी यू आर हियर ना टुडे कैन आई सी अ मैनेजर कैन आई सी द मैनेजर मैं मैनेजर को देख सकता हूं क्या आ गया कैन आई सी द मैनेजर इसका मतलब ये हिंदी में हो गया मैं मैनेजर को देख सकता हूँ क्या उसका रियल मतलब है कि कैन आई मीट विद द मैनेजर सिर्फ देखना नहीं है उसे एंड वैसे हम ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं कोई गेस्ट को मराठी में बोलते सब आता हमसे प्रमुख पाहुणे दोन शब्द बोलते तो वो क्या दो शब्द बोल के बैठने जाते ओके तो कैन आई सी द मैनेजर बोले तो
मैं मैनेजर से मिल सकता एंड सोलमली अलोन मतलब अकेले ही चाहिए वो. अब ऐसी अगर किसने बोला कि मैनेजर को अकेले में मिलना है तो वो सामने वाले को लगेगा कुछ तभी खुफिया बातें है इसके दिमाग में चल रहा है खुराफाती बातें. आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन अकेले मिलना है मतलब वो इतना डर गया था. अब डर के मारे उसके मुंह से भी जबान से कुछ भी निकलने लग गया तो इसलिए वो बोलता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा ये मुझे भी नहीं पता पर डर के मारे मैंने बोल दिया अलोन. हाँ सडनली सेट द अकाउंटेंट. अब अकाउंटेंट बोला सेकंड कैरेक्टर कौन सा इसमें अकाउंटेंट है. अकाउंटेंट ने बोला एंड फेस्ट हिम. फेस्ट का मतलब क्या हो गया कौन है पायल पायल नहीं पायल इधर इसको बोलते क्लास को बंक मारना. तो अब हम जैसे बोलते ना खड़ूस इंसान शकल से खड़ूस खड़ूस टपकती है उसकी तो मैनेजर भी किसी तरह सीरियस इंसान था तो ग्रेव के ऊपर लिखो सीरियस ये वाला इसके ऊपर लिखो. लिख रहे हैं ना सब लोग क्या मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा हूं. ग्रेव बोले तो सीरियस हाँ और काम मैन बोले तो शांत आदमी था. सीरियस और शांत था वो. अभी मैं तो डरा हुआ था वो तो आई हेल्ड माई $50 क्लच्ड. क्लच बोले तो ऐसी तुम पकड़ते ना ऐसी हाथ में चुरा कर डालते ऐसी पैसा पैसा कभी दे डाला तुम्हारे को दुकान में जाने के लिए तो तुम लोग कैसे पकड़ते टाइट पकड़ते ऐसी जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी फूट जाएंगे तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुल पाएंगे इतना टाइट पकड़ते तो हाँ तो $56 क्लच्ड एंड इन अ क्रम्बल्ड बॉल. क्रम्बल्ड बॉल बोले तो ऐसी पेपर अगर हाथ में दिया था उसको पूरा फोल्ड नहीं कर डालते क्या पूरा और उसका बॉल बना देते. वैसी हाथ में इतना टाइट पकड़ा था मैंने कि उसका क्या बन गया चूरा हो गया पूरा अंदर हाथ में. वैष्णवी और पायल के यहाँ पे रेंज नहीं रखता आज. इन पॉकेट आर यू द मैनेजर. अब मैंने मैनेजर को पूछा कि तुम मैनेजर हो क्या. आई नो सेड गॉड नोज भगवान जाने. आई डिडंट डाउट इट सेड मतलब अभी तक उसने पूछा मैंने पूछा उसको कि क्या तुम मैनेजर हो. तुम्हें स्टोरी के पीसेस कलेक्ट हो रहे हैं क्या सिर्फ हाँ बोल रहे मेरे को. अब मैनेजर ने यस बोला. कैन आई सी यू आई आस्क्ड अलोन मतलब अब मैनेजर को मैंने डर के मारे बोला कैन आई सी यू अकेले में. अब मैनेजर भी डर गया होगा अकेले में क्या करने का इसको. ऐसे आई डिडेंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट. द मैनेजर मतलब मैं नर्वस हो गया था इतना. द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म. अलार्म मतलब वो भी अभी डर गया था मैनेजर कि कोई भी बोलेगा अकेले में अगर सब. He felt that I had an awful. ये awful है इसको awful कभी नहीं बोलना जिंदगी में. Secret to reveal. Come in here, he said. अब मैनेजर ने बोला अंदर आ जाओ कोई नहीं आता इधर. And led the way to the private room. मतलब private. मैनेजर को क्या लगाऊंगा इसको कुछ तो खुफिया राज बताना है मुझे. पर खुफिया राज बता उसको बताने का नहीं था. Okay? उसके पास कितने थे 50 रुपए थे जमा करने के लिए. मैनेजर को लगाऊंगा 5-6 करोड़ होंगे जमा करने के लिए पर ऐसे कुछ नहीं था. उसके पास 50 रुपए थे सैलरी हुई थी उसकी. हम रुपीस ही बोलेंगे डॉलर नहीं बोलेंगे डॉलर अमेरिकन हो जाता. ही टर्न द की. तो आज हमें इतना ही करना पड़ेगा टाइम हो गया है.